प्रेम कुमार जी, बहुत कुछ है आज इस पिटारे में, जरा आपसे समझूं क्या कुछ दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, यह चर्चा जितनी की जाए वो कम है। हो सकता है कई लोग कहें कि अरे आप तो रोज सरकार बना रहे हैं, रोज सरकार गिरवा रहे हैं, लेकिन यहां रोज सरकार गिर रही है, इसलिए चर्चा करना जरूरी है। यहां कोई ऐसा दिन नहीं निकलेगा, बीतेगा, जिस दिन या तो बीजेपी तोड़ फोड़ करके जैसे भी हो अपने लिए 272 का आंकड़ा, खुद के लिए अपने दम पर 272 का आंकड़ा सुनिश्चित करा ले, बिल्कुल सील बंद कर ले, तभी वो बचेगी, तभी हम भी बोलना छोड़ देंगे, तब हम कुछ और बातें करेंगे। लेकिन आज 240 के साथ नरेंद्र मोदी का जो नेचर है, उस नेचर के साथ नरेंद्र मोदी कितने दिन चलाएंगे सरकार, ये एक बड़ा सवाल तो है। ये सवाल ये भी है कि टीडीपी का कहना है, उनके बेटे का कहना है पैगासस जांच करवाइए, और उधर नीतीश बाबू एक नहीं बल्कि कई, कल आप देखिए भाषण में क्या कह रहे थे, बिहार के लिए जो है वो तो कर ही देंगे ना, कह तो रहे थे, जो पुरानी बात है वो सब कुछ जो पहले कह रहे थे तो कर ही हो ही जाएगा ना। तो ये सब क्या था, इन सबको जरा एक्सप्लोर कीजिए, यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, और यहां से कांग्रेस की जो आज दो बैठकें हैं वहां से क्या निकल के आ रहा है ये भी बताइए प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। अब देखिए, इस सरकार को हम इस तरह से देखें कि जन्म लेने से पहले ही, या जन्म लेते ही बोलिए, जन्म लेते ही ये आईसीयू में नजर आ रही और गंभीर संकट में, ये दीर्घायु हो सब लोग चाहते हैं, नवजात शिशु है, चुनाव से पैदा हुआ नवजात शिशु, सब लोग दीर्घायु होना चाहते हैं, मानते हैं होना चाहते, लेकिन गंभीर बीमारी से ग्रसित है और इसका ऐलान कौन लोग कर रहे हैं, वही लोग जो परिवार के हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, यही लोग कर रहे हैं। अगर केसी त्यागी बोलते हैं कि अग्निवीर को स्क्रैप करिए, अगर वो दूसरी बातें कहती है, चाहे यूसीसी और अन्य मांगे, जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के हिसाब से उनकी एक तरह से बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जी, उसको स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं, तो ये संकट वहीं से खड़ा हुआ। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से अगर पेगासस की बात की जा रही है, उनके बेटे कर रहे हैं, तो पेगासस क्या है, सरकार का सौदा, जो रक्षा सौदे का पार्ट, जिसको आम नागरिक के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, किसने किया, मोदी सरकार ने ही तो किया, तो अपनी ही सरकार के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं नारा लोकेश। तो इसका मतलब है कि ये परिवार के लोग ही इस बीमारी को गंभीर बता रहे हैं और इसके दीर्घायु होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया कि जनादेश को हम पढ़ते हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि उचित अवसर नहीं आ जाता, यानी जनादेश के अनुरूप हम सरकार हम भी देना चाहते हैं, और लेकिन इसके लिए इंतजार करेंगे। तो इसका मतलब है कि अनैतिक तरीके से सरकार गिराई नहीं जाएगी, अनैतिक तरीके से किसी को तोड़ने जोड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी, ये लोकतंत्र का सदाचार है और इसका इन्होंने पालन किया है। तो अब यहां एक बात देखने की है कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन ने जिस तरह से अपने आप को ग्रूम किया संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, अग्निवीर लाने के लिए, गरीब उन्मुख सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार लाने के लिए एक विमर्श खड़ा कर दिया पूरे देश में, और उस विमर्श को देश की स्वीकृति मिली, और रविकांत जी बहुत अच्छे याद दिला रहे थे इस सर्वे के बहुत अच्छे पहलू के, इस देश की जनता ने राहुल गांधी को सबसे ज्यादा लोकप्रिय मान लिया है, सात मोहर लगा दी है, नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की है, ये सीएसडीएस का सर्वे बता रहा है। इसका मतलब है देश के सोचने का तरीका बदल गया है, पप्पू पापा बन गया है, हमने बहुत पहले ही आपके शो पे पप्पू पापा बनने का स्लोगन दिया था, पप्पू पापा बन गया है, इस पर जनता ने मुहर लगाई, जिसको लोग पप्पू बोलते थे आज वो पापा की भूमिका में है। आज अब कांग्रेस पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है कि
के राहुल गांधी एलओपी एक्सेप्ट करें, नेता प्रतिपक्ष एक्सेप्ट करें। हालांकि इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, राहुल गांधी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनौतियों का सामना किया है, अपोजिशन को खड़ा किया है, कांग्रेस को खड़ा किया है और एक ऐसी स्थिति बना दी है कि जनता की लोकप्रिय सरकार बनेगी, और चाहे अगर ये सरकार लड़खड़ाती है तो दूसरी सरकार बनने के लिए तैयार बैठती। ये जो स्थिति बना दी है तो इस स्थिति को आगे कंटेस्ट करना पड़ेगा, आगे कन्फ्रंट करना पड़ेगा, चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। और इसमें सोनिया गांधी जी ने तो अपनी इच्छा भी जता दी और वो बन भी गई पूरे पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रमुख। वो सोनिया गांधी जी की जो जीवटता है इस उम्र में भी, वो पूरे चुनाव के दौरान देखने को मिली है, उसकी एक अलग भूमिका है। पूरे गांधी परिवार ने दिन रात एक करके खून पसीना बहा करके जो पार्टी को खड़ा किया, और पार्टी पुनर्जीवित हुई है बहुत जबरदस्त तरीके से। वो कांग्रेस पार्टी जिसको 1.75% वोट ज्यादा मिले हैं पिछले बार, और वो बीजेपी जिसको पिछले बार जो पॉपुलर वोट्स थे उससे 0.74 कम वोट मिले, यानी पॉपुलर वोट्स घट गए। और कई स्टेट्स में जैसे असम जैसे स्टेट्स में, हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे स्टेट्स में को याद कीजिए, जहां राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान उन पर हमला भी हुआ था, बहुत कन्फ्रंटेशन झेलना पड़ा था, वहां पॉपुलर वोट्स कांग्रेस के ज्यादा हैं बीजेपी के मुकाबले। सीट भले बीजेपी के ज्यादा हो, पॉपुलर वोट्स कांग्रेस के ज्यादा हैं। और ऐसे कर्नाटक जैसे प्रदेश में भी हाल है, सीट कम है लेकिन वोट्स कम नहीं है कांग्रेस के। ये पूरे देश में स्थिति बनी तो ऐसे ये जो बनी है, और हम तो कहें कि बीजेपी के लिए, बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी के पास तो 240 सीट है, कांग्रेस के पास 90 के दशक के बाद में 240 सीट कभी आई नहीं, तो 240 वाला अगर सरकार नहीं चला सकेगा तो 99 वाला कैसे सरकार चलाएगा, ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर बहुत जरूरी है समझना हमारे दर्शकों के लिए कि देखिए, ये वो पार्टी जो कभी 13 दिन की सरकार नहीं चला सकी, 13 दिन में ही गिर गई, वो पार्टी जो कभी 13 महीने में ही सरकार गिर गई, और उसके बाद लाल अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से एनडीए को सर्वग्राह्य बनाया, सर्वमान्य बनाया, उससे सीख करके, सबक से सीख करके, उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पलट दी और एंटी रीजनल पार्टी के रूप में अपना कैरेक्टर गढ़ा। उन्होंने ऐसी राजनीति की कि पूरे देश में ये वन पार्टी चलेगा। जेपी नड्डा